तो आज है संडे और आज हम पढ़ेंगे आपके भेजे हुए कमेंट्स, जो अलग अलग वीडियोस में आपने कमेंट किया है, आप कमेंट करते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और हमारे पेज इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कमेंट पढ़ना आप शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है सैयद सामत का। सर, मुझे इम्प्लांट से डर लगता है, प्लीज़ बताएं कैसे करवाएं, शायद लिखना चाह रहे हैं। तो इम्प्लांट अगर आपको सजेस्ट किया गया है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जितना भी प्रोसीजर होता है एनेस्थाइज करके किया जाता है, सुन करके किया जाता है, तो प्रोसीजर में तो कोई दर्द नहीं होता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी इम्प्लांट अच्छा है। इसके बाद कमेंट है जावेद शाह जी का। नमस्कार सर, आप माउथ ओपनिंग पर वीडियो बनाएं। बिल्कुल, माउथ ओपनिंग पर वीडियो बनाएंगे, जो रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग होती है, मुंह कम खुलने लगता है, उस पर वीडियो बनाएंगे। OSMF के कारण ये होता है, तो उसमें बताएंगे हम नॉर्मल ओपनिंग क्या होनी चाहिए और प्रॉब्लम होने से कैसे ये कम हो जाती है, इस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद अभिजीत लिखते हैं, वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू अभिजीत भाई, वीडियोस को देख रहे हैं आप, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। इसके बाद अगला कमेंट है देवेंद्र सोम का, लिखते हैं प्लीज़ अपलोड PSA नर्व ब्लॉक। थैंक यू सर देवेंद्र सोम, आपने काफ़ी वीडियोस में ये कमेंट किया है, तो तुरंत हम वीडियो नहीं बना पाते हैं आपके रिक्वेस्ट पर, इसलिए सॉरी, लेकिन ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपका वीडियो बना पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है आफिया सईद का, लिखते हैं सर क्या वीनियस के लिए भी RCT करनी पड़ती है? तो देखिए, अगर दांत आपका हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीनियर्स और क्राउन दोनों के लिए ही आपको RCT करने की ज़रूरत नहीं है। बिना RCT के भी आप वीनियर दे सकते हैं, क्राउन दे सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा हुआ है, थैंक यू सर, सर प्लीज़ एक वीडियो डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन पर बना सकते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। बिल्कुल, फिक्सर और डेवलपर सॉल्यूशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है रागिनी गौरव का, लिखते हैं थैंक यू नाइस लेक्चर। ये कैरीज वाले वीडियो में है कमेंट, तो वेलकम रागिनी, पसंद करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है काव्या टेक का, लिखते हैं सर जैसे सफाई करवाई और खून निकल रहा है तो अगले दिन उस प्लेस पर ब्रश करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी डीप क्लीनिंग हुई है, कैलकुलस ज़्यादा था, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, तो ब्रश से आप तेज़ी से ना करें। वैसे तो नॉर्मली आपको तेज़ी से ब्रश नहीं करना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर लगा के ब्रश नहीं करना है, और आप गुनगुने पानी में नमक डालिए और उससे कुल्ले करिए, तो जो आपके घाव हुए हैं, ब्लीडिंग जो हुई है, वो आपका जल्दी हील हो जाएगा, और हो सके तो उस जगह पे अवॉइड करिए अभी ब्रश करना। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर मयंक सोनी, अच्छा लगा वहाँ, मैं भी वहाँ पर था। ये कमेंट है दिल्ली डेंटल एक्सपो वाले वीडियो पर, जो दिसंबर पे एक्सपो हुआ था, उस वीडियो पर कमेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और ऐसे इवेंट्स में हमें जाते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है सुलेहा काजी, लिखते हैं वेरी नाइस एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सुलेहा। सर प्लीज़ मेक मोर वीडियोज़ ऑन थ्योरी सिलेबस। बिल्कुल, थ्योरी पर काफ़ी समय से वीडियो नहीं लाए हैं, तो थ्योरी भी स्टार्ट करते हैं धीरे से। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर पंकज गुप्ता, लिखते हैं काइंडली मेक द वीडियो ऑन इरप्शन ऑफ प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशन। तो प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन का जो इरप्शन सीक्वेंस है और इरप्शन टाइम है, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, दो वीडियो अलग अलग इस पर बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, या इसके ऊपर एक आई बटन आएगा, सजेशन आएगा, उससे भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है न्यू वाइंस का, ये लिखते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स अपना क्लिनिक खोल सकते हैं क्या? डेंटल हाइजीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स इन माय नॉलेज बिल्कुल खोल सकते हैं क्लिनिक, ये भी DCI से रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट होने के बाद कराना होता है DCI से, उसके बाद क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स और जो इंजेक्टेबल्स है शायद इनका परमिशन नहीं होता, इसके लिए कुछ अलग से परमिशन लेनी होती है, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लें, समझ लें, उसके बाद ही क्लिनिक स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना कमेंट छोड़ें तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।